इंसानों की समस्या ये है कि जो चीज़ हमें समझ ना आए हम उसे एलियंस के साथ जोड़कर देखने लगते हैं। बरमुडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज बरमुडा ट्रायंगल के कुछ रहस्यों की कहानियां और साइंस इस पहेली को कितना सुलझा पाया है। कोलंबस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस ही था। कोलंबस ने अपनी पुस्तकों में बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि जब वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनके दिशा सूचक ने दिशा बताना बंद कर दिया था और उसके बाद उनको आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुन्दर में जा गिरा। तो अब उन जहाजों के बारे में जानते हैं जो वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनोआ के लिए चला था लेकिन वहां कभी वो पहुंच ही नहीं पाया और बाद में ठीक एक महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला था पर इस पर एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं मिला। लेकिन उसके अंदर खाने की मेज सजी हुई थी किंतु खाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां सवार नहीं था। आखिर सारे व्यक्ति कहां चले गए थे और खाने की टेबल किसने क्यों और कैसे लगाई? ये सारे सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। ब्रूस ग्रेनन वो व्यक्ति जो बरमुडा ट्रायंगल से जिंदा लौट के आया आखिर क्या देखा उसने वहां पर? ये आप भी जानिए। ये बात है 1970 की जब ब्रूस ग्रेनन अपने पिता और अपने एक दोस्त के साथ मियामी जा रहे थे और जब वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो मौसम बुरी तरीके से खराब होने लगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल थे और उनमें बिजलियां ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई बम विस्फोट हो। और उसके बाद उनके प्लेन के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। उनका कंट्रोल रूम से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका था और उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है इसका भी उनको कोई अनुमान नहीं था। उन बादलों में उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। तभी उनको बादलों के बीच में एक सुरंग सी दिखाई दी और उनका जहाज उस सुरंग में जाने लगा। तकरीबन 3 मिनट तक उस सुरंग के अंदर उनका जहाज चलता रहा और जैसे ही उस सुरंग के बाहर आए वो बादलों की सुरंग वहां से गायब हो गई और जैसे ही उन्होंने सामने देखा वो देखकर हैरान हो गए क्योंकि वो मियामी पहुंच चुके थे। दरअसल कुछ देर पहले वो मियामी वहां से 150 किलोमीटर दूर था लेकिन उन्होंने 3 मिनट में इतनी ज्यादा दूरी कैसे तय कर ली, वो भी उस समय जब जहाज इतने ज्यादा हाईटेक भी नहीं होते थे। ब्रूस काफी अनुभवी पायलट थे, उन्होंने पेट्रोल चेक करा लेकिन पेट्रोल तो वहीं का वहीं था, तो उन्होंने 3 मिनट में इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर ली? क्या वो एक टाइम ट्रेवल था जिसके अंदर घुसते ही उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगा? कुछ साइंटिस्ट से टाइम ट्रेवल से जुड़ी गतिविधि मानते हैं। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है उनमें ये पाया गया है जब भी कोई जहाज यहाँ पर पहुंचता है उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे उपकरण धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से इनका बाहर से संपर्क टूट जाता है और ये यहाँ पर भटक जाते हैं और उसके बाद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को ये कहते हुए सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है।
जल सेना के अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। और ये पहला लेख था जब विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं है बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता हो सकता है। आसान सी भाषा में अगर आपको समझाए तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरीके के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे जोन में जाने का जरिया बन जाता है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी जहाज सुपर नेचुरल पावर की वजह से नहीं बल्कि खराब मौसम की वजह से गायब हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में काफी मात्रा में मीथेन गैस है जिसके संपर्क में आते ही एक बड़ा विस्फोट हो जाता है और सभी तरह के जहाज और वायुयान तबाह होकर पानी में समा जाते हैं। यह गैस पानी में बिल्कुल गैस के बड़े बड़े खोलते हुए बुलबुलों जैसी होती है और यह आसानी से आसमान की ऊंचाइयों तक भी उठ जाती है जिसकी वजह से हवाई जहाज इसकी चपेट में आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट के एक भौगोलिक वैज्ञानिक ने यह दावा किया था कि हाइड्रेट गैस बरमूडा ट्रायंगल में काफी मात्रा में है और ये बड़े से बड़े जहाज को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वहां पर ऐसी गतिविधियां होती है, तो इसको पूरी तरीके से एलियंस के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अब तक के लापता हुए जहाजों में कई सारे नाम हैं। 1872 में द मैरी सेलेस्ट नाम का जहाज लापता हुआ जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में कहीं खो गया। 1950 में अमेरिका का जहाज SS सेंड्रा यहां से गुजरा लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं लगा। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में खो गया जिसमें 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिका सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का एक विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गया कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।